नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबर बिहार के तमाम वार्ड सदस्य, सरपंच साहब, पंच, मुखिया जी के लिए जो है कि सरकार ने रुपया जारी किया है। सारा खबर हम जो है कि आपको बताने जा रहे हैं। सरकार का वह पैसा जिला में आ गया है। इसके अलावा सरपंच साहब को कार्यालय व्यय के लिए जो 60,000 रुपया आता था उस मद में भी रुपया आया है। तो सरपंच कार्यालय व्यय के लिए रुपया, सरपंच और पंच का मानदेय और वार्ड सदस्य का मानदेय, यह सारा रुपया दो किस्तों में आवंटन किया गया है और दोनों जो है कि किस्त जिला में पहुंच चुका है, जिसे जो है कि सरपंच साहब को वार्ड सदस्य को जिला पंचायत राज पदाधिकारी को ट्रांसफर कर देना है। तो दोस्तों हम सारा खबर आपको बताएं, उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों सरकार का वह दोनों पत्र हम स्क्रीन पर डालकर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखिएगा। दोस्तों पंचायती राज विभाग बिहार सरकार पटना प्रेषक कल्पना कुमारी अनुसरवन पदाधिकारी, और यह पत्र 28/3/2023 को जारी किया गया है सेवा में प्रशाखा पदाधिकारी सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पंचायती राज बिहार विभाग पटना। वित्तीय वर्ष 22-23 में विभागीय स्वीकृत आदेश संख्या 112 स्वीकृत दिनांक 28/3/2023 के आलोक में कुल 79,10,00,000 रुपए मात्र राशि की आवंटन। पत्र को देखते रहिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। महाशय उपयुक्त विषय कहना है कि विभागीय स्वीकृत आदेश संख्या 112 स्वीकृत दिनांक 28/3/2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 के तृतीय चौमाही दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि और सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सदस्य को नियत मासिक भाता के भुगतान हेतु स्वीकृतादेश के कंडिका 3 के आलोक में कुल 79,10,00,000 रुपए मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृतादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 22-23 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि, सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति, प्रमुख, उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच समेकित नियत मासिक भाता भुगतान हेतु कुल 79,10,00,000 रुपए निरूपेणा आवंटित की जाती है। और यहाँ जो है कि आप देख सकते हैं किनके लिए कितना है, उनका कॉलम बना हुआ है। जिला परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, इस तरह जो है कि इस आवंटित राशि का निकासी व्ययन एवं प्रशाखा पदाधिकारी सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पंचायती राज विभाग बिहार पटना होंगे, जो विभागीय स्वीकृत आदेश संख्या 112 हुई। यहाँ आपको हम बताते चले कि वार्ड सदस्य और पंच के लिए यह आवंटन नहीं हुआ है, जबकि प्रत्येक वर्ष जो है कि आवंटन होता था तो उसमें जो है कि पंच के, सरपंच साहब के साथ पंच और मुखिया जी के साथ वार्ड सदस्य के लिए भी आवंटन किया जाता था। लेकिन इसमें प्रायः यह देखा जा रहा है कि इन लोगों के लिए आवंटन नहीं किया गया है, जो कि ठीक बात नहीं है। हो सकता है कि इसके बाद जो आवंटन आए उसमें आवंटन हो। वार्ड सदस्यों के लिए इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इस पत्र को हम अभी रिव्यू किए हैं डायरेक्ट वीडियो बनाने के समय, और इसमें हमने देखा है कि यह जो राशि आवंटित हुई है, जो कुल राशि है आपको बताते चले, कुल राशि 79,10,00,000 रुपए जो है, इसमें जो है कि मुखिया जी, उप मुखिया, सरपंच साहब, उप सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के लिए जो है कि राशि का आवंटन हुआ है, जबकि इसमें वार्ड सदस्यों के लिए राशि आवंटित ही नहीं की गई है। एक बार फिर जो है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों, ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों, सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, और इसमें पंच और वार्ड सदस्य को गौण कर दिया गया है, इनके लिए जो है कि राशि का आवंटन नहीं किया गया है, यह अच्छी बात नहीं है। अब आपको बताते हैं
कि सरपंच साहब का एक दूसरा आवंटन क्या आया है वो अभी हम आपको बता दे रहे हैं। सरपंच साहब का जो है कि एक आवंटन और आया है 21,12,96,656 रुपये का, इसको भी हम स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करेंगे, आप लोग जो है कि देखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो है कल्पना कुमारी अनुसरण पदाधिकारी सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी बिहार इतना 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 उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृता देश संख्या 108वीं दिनांक 21/3/2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 में सष्टम राज वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रत्येक ग्राम कचहरी को कार्यालय व्यय हेतु 38,632 रुपये ग्राम कचहरी की दर से 38,632 रुपये प्रति ग्राम कचहरी की दर से, अब बताइए पहले जो राशि आती थी वह 60,000 रुपये ग्राम कचहरी के लिए आती थी, उसको घटाकर सरकार ने जो है कि यहाँ 38,632 रुपये कर दिया है, यानी कि पहले सरपंच साहब को जो 60,000 रुपये मिलते थे इस वित्तीय वर्ष में महज उनको 38,632 रुपये मिल रहे हैं, कि अनुकूल जो है कि कुल 31,12,96,656 रुपये जो है कि स्वीकृति प्रदान की गई है उक्त विभागीय के आलोक में 22-23 में कुल 31,12,96,000 आवंटित की जाती है, इस राशि का आवंटन हो गया है और यह पैसा जिला में आ गया है और यह 38 जिलों के सभी ग्राम कचहरियों के सरपंच को यह पैसा मिलेगा। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय स्वीकृता देश संख्या इतना इतना के आलोक में करेंगे, यानी कि DPRO जिला पंचायत राज अधिकारी को ही यह पैसा निकाल कर और जो है कि ग्राम कचहरियों के खाते में भेजने का नियम है। तो यह सब जो है कि आवंटन है, दो आवंटन मुख्य रूप से है जिसमें जो है कि सरपंच उप सरपंच मुखिया उप मुखिया पंचायत समिति के प्रमुख उप प्रमुख यानी कि जो है कि वार्ड पंच वार्ड सदस्य को छोड़ा गया है और यहाँ सरपंच में की राशि में कटौती की गई है, तो कुल मिलाकर यह ठीक नहीं है। तो संबंधित लोग इसका आवाज़ मेरे चैनल पर उठाने के बजाय यदि सरकार के पास उठाएंगे तो उनको कुछ लाभ मिलेगा। मेरे चैनल पर अगर पर लाभ करने पर कमेंट में ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद गलत कमेंट फिर दोबारा कोई नहीं कर सकते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय।